और काबीना का फैसला नहीं होता, ये फैसला जो है ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज का फैसला होता है, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। ये जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कंसर्न का इजहार किया था, आज काबीना ने भी इस कंसर्न का इजहार किया है। अब इस वक्त तकरीबन 150 स्टे ऑर्डर हर महीने जो हैं उनका हमें सामना है। ये जजेस की वजह से स्टे नहीं हो रहे, इसमें जो वकला है, जो हुकूमत के वकला है, उनकी भी खामियां होंगी, इदारों की भी गलतियां होंगी, लेकिन ये एक बहरान है जिससे इस वक्त हुकूमत जो है वो मिल रही एक नबरदाजमा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी इसमें कोई शुबा नहीं, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने साफ साफ बता दिया। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने का फैसला काबीना का नहीं होता, ये हालात पर मुनहसर होता है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों को साथ लेकर चलते हैं, स्टे ऑर्डर्स की वजह से इंतजामी बहरान का सामना है, अदालतों को इंतजामी मामलात में हुकूमत का नुक्ता नजर पता होना चाहिए। ये बात वाज़ह है कि स्टे ऑर्डर्स जजों की वजह से नहीं हो रहे, इसमें वकला की भी गलतियां हैं।